और अच्छा आर्डर है, हर दोनों को अच्छा है। स्टेटस को का मतलब जो ऐसा था पहले से ऐसा ही को। ऑनरेबल थ्री जस्टिस हाई बेंच ऑर्डर करे इसके ऊपर, जो डबल बेंच का ऑर्डर हुआ हाई कोर्ट पे 25 अगस्त 22 को सिंगल जज का हुआ। 23-8 को 24 घंटे के अंदर डबल बेंच का, बहुत ही सीरियस मैटर था, ऐसा एकदम आना नहीं चाहिए था। कौन सा भी मैटर सालों से नहीं लगता है, अपना डिफेक्ट क्लियर होने ही 5-10-50 दिन हो जाते हैं। कैसे भी एक दिन के अंदर ऑर्डर जो किया, ये ऑर्डर को क्वाश किए होंगे सुप्रीम कोर्ट में। जैसा पहले से हम भी बोलते थे कि भाई 200 साल से जो लैंड है, 200 साल के पहले से जो लैंड जो करते हैं, जो ईदगाह में ईदगाह करते हैं और मुसलमान के वक्त जो चाहती है वो कर सकते थे। यही काम था, यही दी हॉनरेबल बेंच ऑब्जर्व किए ये आज के आर्डर में करके, मैटर उनके सामने नहीं रखा, मैटर को डिस्पोज कर दिया करके। सेम सिमिलर मैटर जैसा जो चीज सुप्रीम कोर्ट में पूछे हैं वो आप हाई कोर्ट, हॉनरेबल हाई कोर्ट में फिर दोबारा केस चलाइए करके रिमांड करा है आज का दिन। और अच्छा आर्डर है, हर दोनों को अच्छा है, यानी जो बीबीएमपी हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, वक्फ हो, सीएमए हो, इसी टाइम पे हर आदमी, हर अथॉरिटी हमारी जो भी मुसलमान की भी है, सोच के समझ के जो चीज करना है, यानी जो थोड़ी भी गलती हुई है ज्यादती में लेके गए, उसको हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट रेक्टिफाई किया। तो अभी फिर भी रिमांड हुआ, जो ऑर्डर डबल बेंच का ऑर्डर 24 घंटे के अंदर किए थे उसको रद्द कर दिया। स्टेटस को का मतलब जो ऐसा था पहले से ऐसा ही करो ना, अभी उसमें गणेश आप बिठा सकते हैं ना, हमें नमाज पढ़ने से रोक सकते हैं ईदगाह की, जैसा 200 साल से चलते आ रहा है वो। बहुत सीरियस नोट लिए तीनों जज भी, लेके ला लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। अब कल से यानी नेक्स्ट अगले डेट से हाई कोर्ट में लगेगा। हाई कोर्ट में ये चाहिए कि भाई हमारा टाइटल हमें कैसे, उसमें कौन प्रॉपर पिटिशनर है, कैसे उसको प्रूव कराएं, क्या हमें ट्रिब्यूनल के हद तक वक्त ट्रिब्यूनल से कराएं, वक्त ट्रिब्यूनल का हमें उसमें वास्ता देके वहां पे जब तक होता है जो हुआ है उसको ऑर्डर करवाएं, क्योंकि जो भी ऑर्डर करते हैं फिर भी जाना पड़ता है फिर भी हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो इसलिए यहाँ पे एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी तमाम गलतियों के ऊपर, जिस जगह भी गलती हुआ है आज तक, वो गलतियों को सुधार के थ्री जज हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट बेंच आज अच्छा सा ऑर्डर दिए। अब संभल के जाना, लेके जाना उसको, ना उसमें पूजा हो सकता ना दूसरा कुछ हो सकता, जो 200 साल से होते आया है यही मेंटेन करेंगे। और यहां तक सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग से है कि भाई वक्त का लैंड है, और दोनों तरफ से भी बोले, स्टेट से भी बोले, वक्त का लैंड है, औकाफ का लैंड है, और सुप्रीम कोर्ट भी ऑब्जर्व करे हैं ये। अब इसको वक्फ एक्ट के अंदर, सेंट्रल वक्फ एक्ट के अंदर कौन सी अथॉरिटी कैसे क्या करते है उसका काम एकदम सही करना है। ऐसे ही पूरे चीजों में जितने अभी तकरीबन 75,000 चीजा कर्नाटक में, बेंगलुरु में पेंडिंग है, ऐसे चीजा यही चीज, ऐसे तमाम चीजों को, थ्रेटनिंग को देखते हुए पूरे चीज हमें वक्फ काउंसिल एक्ट के तहत इसके मुतवल्ली, इसके जिम्मेदारान कौन कैसे हैं बरोबर करने का एक मौका हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक गाइडेंस डाल के आज ऑर्डर को क्वाश करके डबल बेंच का, सिंगल बेंच में जो हुआ वही ऑर्डर, वो भी ऑर्डर नहीं, स्टेटस को का मतलब स्टेटस को दोनों बेंच का नहीं, जैसा था ऐसा ही, जैसा था नमाज होती मुसलमान के, जो मुसलमान चाहता था वैसा होता था, कौन भी आए खेलें जाएं करें, मगर जो स्टेट गवर्नमेंट का मंजूरी जो थी पूजा यानी गणेशा बिठाने की, वो फिलहाल रोका गया, उसके बाद भी नहीं होगा जब तक कोर्टों का ऑर्डर इसमें पूरा आए।
इन्हें कोर्टों का ऑर्डर जो जल्दी भी आ सकता है इसमें, क्योंकि इलेक्शन 2023 का 8-9 महीने हैं, तो इसमें इन्हें बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, यहां से हाई कोर्ट से करके सुप्रीम कोर्ट को जा सकते हैं। तो इसलिए हमारे दाखलात, हमारे पेपर, हमारे चीज वक्त काउंसिल के तहत, एक्ट के तहत, ट्रिब्यूनल के तहत, जो टाइटल पक्का कैसे करना, वो कानून के तहत टाइटल बनाने की पूरी कोशिश करके हम इस हॉनरेबल हाई कोर्ट में भी चलाएं और दूसरी उसकी ज्यूरिसडिक्शनल कोर्ट में भी चलाएं, इसकी उम्मीद है। उसका रास्ता आज सुप्रीम कोर्ट दिया है। अस्सलाम वालेकुम।